आप देख सकते हैं मोरबी में हुई घटना को लेकर कितना रोष व्याप्त है पूरे देश के अंदर। आज कांग्रेस कमेटी के लोग भोपाल शहीद स्मारक गेट पर एक श्रद्धांजलि मोमबत्ती कैंडल के सहारे, मध्य विधायक आरिफ मसूद जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी और सभी वरिष्ठ लोगों के साथ यहां पर एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है मृत आत्माओं को शांति देने के लिए। उनकी याद में मध्य क्षेत्र के हमारे अपने विधायक आदरणीय आर्य मसूद जी सर को करता हूँ कि वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का निर्णय। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश मिश्रा जी, तमाम जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सभी लोगों को आज भोपाल गेट पर गुजरात में हुए हादसे के लिए श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धांजलि के साथ हम दुखद परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरा एक एक कार्यकर्ता एक एक साथी उनके साथ खड़ा हो, लेकिन एक सवाल भी हम खड़ा करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री का गृह राज्य और एक अफसोस का पहलू है कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह राज्य और दो दिन तक रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, अभी भी ढूंढने का काम चल रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि जब वो एक प्रदेश का नेतृत्व सही से नहीं कर सकते तो देश का नेतृत्व क्या करेंगे। पुलवामा में भी हमारे साथ इसी तरह का धोखा हुआ, हम चाहते हैं कि गुजरात में इस तरह का धोखा ना हो और सही जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़ितों को सही उचित मुआवजा मिले। सर काफ़ी बड़ी हृदय विदारक दुखद घटना हुई है, क्या कहते हैं सर, पूरे देश में मातम छाया हुआ है। गुजरात के मोरबी शहर के अंदर कल 30 तारीख को शाम को 6 बजे पुल के दुर्घटना होने की वजह से लगभग 160 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई और तरह तरह की हम लोगों ने अखबार के माध्यम, टीवी मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली कि नगर निगम ने क्लीन चिट दी थी या उस एजेंसी ने क्लीन चिट दी थी। 5 दिन पहले ही पुल का जो मेंटेनेंस हुआ था वो पूर्ण होके और पुल को आम जनता के लिए खोला गया था। ये सब जांच के विषय हैं, लेकिन 160 लोगों की जो अकाल मृत्यु हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, ये जिम्मेदारी किसको लेना चाहिए। मैं समझता हूँ इसके लिए मजिस्ट्रेटल जांच की जाना चाहिए और कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस हो उससे इसकी जांच करा के और सही तत्व जो है दुर्घटना के जो सही तत्व है वो आम जनता के सामने आना चाहिए। मैं उन सभी पुल की दुर्घटना में जो हमारे गुजरात के लोग, जो मोरबी की लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार के ऊपर जो बहुत ही बड़ा वज्रघात और जो कष्ट हुआ है उसको ईश्वर सहन करने की क्षमता उन परिवारों को प्रदान करे। मैं पुणे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मृत परिवारों के प्रति, मृत लोगों के प्रति और जिनकी असमय मृत्यु हुई है उनके शिक्षणों में प्रणाम करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर देश के अंदर एक काफ़ी दुखद घटना हुई है, पूरा देश में मातम सा छाया हुआ है, सर कैसा देखते हैं आपके नजरिए? देखिए आज हमारा पूरा हिंदुस्तान गमगीन है। जो गुजरात में हादसा हुआ है जबकि 190 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, उम्मीद नहीं कितने और की खबर आ सकती है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है
के एक वल्फ बनाने वाली कंपनी को गुजरात सरकार ने मेंटेनेंस का काम दिया है। कितना वो हो रहा है कि ये देखना चाहिए कि एक भ्रष्ट ठेकेदारों को काम देकर जो है 190 लोगों की जान जा चुकी है, और कितनी और अभी राहत कार्य चल रहा है, कितनी क्या खबर आ सकती है। मैं जो है सरकार से मांग करता हूँ कि मजिस्ट्रेट जांच की जाए, सुप्रीम कोर्ट या ये हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस जो है इसकी जांच करें, और जो है जो दोषी हैं उनको जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए, और जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनको और उनके परिवार को आर्थिक सहायता जो है ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। मैं तहे दिल से इस दुख के लिए और सारे जितने लोगों की जानें गई हैं सबके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपराधी बनाया है, 9 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। हम लोग चाहते हैं कि उचित तरीके पर जांच की मांग की जाए, हमें अपनी ओर से श्रद्धांजलि। सर पूरे देश में रामलाल हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक घटनाक्रम घटा है। जिस प्रकार से मोदी जी ने देश में माहौल ख़राब करके रखा हुआ है, वो टेंडर जो पुलों के हैं, सब जगह के टेंडर जो स्वीकृत करते हैं वो अपने कुछ उद्योगपतियों को देने के कारण ही घटना घटी है। अगर किसी सही आदमी को दिया होता टेंडर, ईमानदार ठेकेदार को, तो यह घटना नहीं घटती। इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। आज 190 लोग की जान चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है? उन पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, और गुजरात सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मैं मांग करता हूं, और उनके परिवार जो इस दुखद घटना में निधन जिनका हुआ है उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार आदाब। आपने देखा कि गुजरात में हुए हादसे से पूरा देश दहला हुआ है, चारों तरफ गम का माहौल है। राजधानी भोपाल के अंदर सभी धर्म के लोग, हर पार्टी के लोग श्रद्धांजलियाँ दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने देखा मध्य विधायक आरिफ मसूद, भोपाल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, युवक कांग्रेस के अनिल मिश्रा, सभी लोगों के साथ मिलकर भोपाल गेट पर एक मोमबत्ती जलाते हुए मृत आत्माओं को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई, कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई है कि ऐसी भ्रष्ट कंपनियों को काम दिया गया जिससे कि लोगों की बेकसूर जाने चली गई हैं। बड़ा ही जांच का विषय है, और तत्काल निर्देशों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मैं आसिफ खान, गणित न्यूज़ से राजधानी भोपाल।